So this is Giloy. Giloy stamp. So Giloy guys, stamp. This is Giloy stamp. And we have added some Tulsi leaves in it, you can see. And what else? So finally, we have got long. And now we are going to add dalchini also to it. So this you can see here, this is dalchini stem, which actually adds flavor. It's very good for hypertension, blood pressure. उसके लिए भी अच्छी रहती है और ये रीयूज भी हो जाती है वापस से काटे में से या चाय में डालो आप चावल में भी डाल के इसको बना सकते हैं बहुत अच्छे इस हर्ब के बहुत अच्छी चीज़ होती हैं तो ये कुछ अच्छा सा मिक्सचर हमने तैयार किया है फॉर आर काढ़ा और ये जो गिलोई स्टेम है बहुत इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए जिसकी लोग आजकल बहुत चर्चा कर रहे हैं Now we are crushing them. See, अच्छे से हम इनको crush कर रहे हैं. This imandasta, फूटने वाला bowl, sorry. It's made up of stone. ये सबके लिए अच्छा है कोई भी उम्र के लोग इसे खा पी सकते हैं ठीक है सब लोगों को इसे पीना है अभी कोरोना काल चल रहा है तो यू नो ड्यूरिंग दिस COVID-19 इन्फेक्शन थिंग आई थिंक वी शुड ऑल बी हैविंग दिस फॉर इम्यूनिटी फॉर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ आवर इम्यूनिटी इन द बॉडी इनसाइड द बॉडी दोज हु आर गोइंग डेली आउटसाइड टू द मार्केट एरिया और टू देयर वर्क प्लेस आई थिंक दे शुड ऑल हैव दिस ये देखिए बस हमारा इतना ही कूटा है हमने थोड़ा और ये गिलोई अच्छा है थोड़ा टाइम लग रहा है हमने गिलोई अपनी इधर से ही तोड़ी है अभी हमारी यहाँ पे बेल लगाई हुई है गिलोई की इन आर बिल्डिंग एंड आई गेस सबको अभी गिलोई लगाना ही चाहिए क्योंकि गिलोई बहुत इम्पोर्टेंट हर्ब है फॉर इम्यूनिटी लाइक आंवला ठीक है अब हम इसको पानी में सिंपल पानी में बॉइल कर लेंगे और इसे पी लेंगे विद लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट जिन लोगों को जैसे बच्चों को आपको पिलाना है तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं ठीक है सो वी हैव एडेड वाटर टू दिस है ना एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस टू फ्लेम और अच्छे से अब हम इसे बॉइल कर लेंगे फॉर 10 मिनट्स राइट और थोड़ा सा देखिए इसमें हम सॉल्ट डालेंगे अब ऊपर से आप देख पा रहे हैं सारे हर्ब्स अभी पानी में क्लियरली दिख रहे हैं हमें छोटी इलायची बड़ी इलायची तुलसी है ना गिलोई के हर्ब एंड इसमें हमने लौंग डाली है काली मिर्ची डाली है सिनेमन डाला है सो सॉल्ट भी डाल सकते हैं अदरक डाला है हमने लेकिन सॉल्ट वी आर नॉट यूजिंग वी यूजिंग इंस्टेड ऑफ इट वी यूजिंग अदरक हेयर ठीक है तो ये देखिए अच्छे से अब ये सिमर हो जाएगा एंड देन वी कैन हैव इट ओके अब आधा पतीला करीब पानी है तो जब बॉयल होगा और बॉयल होने के बाद जो है इसका आधे के आधा जब रह जाएगा तब हम समझेंगे कि है हाँ। तब हम समझेंगे कि भी हमारा एक बार के लिए काढ़ा तैयार हो गया तो तब तक जो है इसको बॉयल होने देते हैं थोड़ा लाइट ब्राउन होता है ये रंग उसका कुदरती आएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें डाली हुई है जैसे वो सौंठ जो अदरक को सुखा करके उसका पाउडर जो बना दिया सौंठ वो डाला है उसका अपना रंग है और जस्ट वहाँ से हमने अपनी बचा के रखी हुई है और हम क्रशिंग दिस रूट ऑफ टर्मरिक व्हिच इज वेरी वेरी एंटीसेप्टिक और एंटी यू नो इट गिव्स अ हीलिंग बॉडी तो ये भी ये देखिए हमने खुद से उगाई हुई है और ये हमने खुद ही इसमें क्रश करके अभी सुखा के ये देखिए पूरा बोल हमने तैयार किया है हल्दी का दिस इज द रूट ऑफ टर्मरिक एंड वी आर क्रशिंग दिस अप और ये अच्छे से हमारा क्रश हो गया है एंड इट इज गोइंग डायरेक्टली टू आर कॉन्कॉक्शन हेयर ये काढ़ा को हम इंग्लिश में कॉन्कॉक्शन कहते हैं सो या
processes. Soon I will be uploading some videos on vocabulary also on my YouTube channel. ये देखिए बढ़िया बॉईल कर रहा है ये अच्छे से है ना. और अब हम इसको क्लोज कर देंगे और अब हम इनको ग्लासेस में कप में डाल रहे हैं. इसकी जिसकी कैपेसिटी है वो पीना चाहेगा उतना पी सकता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू ये देखिए हमने इस कॉन्कॉक्शन को वी हैव नाउ यू नो सीव्ड इट और अब हम इसको पी लेंगे. सो एवरीवन हैज टू मेक दिस एट होम डेली ड्यूरिंग द डे टाइम नाइट टाइम जब भी आपको मौका लगे पी लीजिए क्योंकि अभी इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत जरूरी है क्योंकि एज वी ऑल नो कोरोना की या कोविड 19 की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में. तो एक ही सोल्यूशन है टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी. थैंक्स ऑल. नाउ वी हैव केप्ट आवर जड़ी बूटी अगेन फॉर कूलिंग डाउन. ठीक है तो इसको हम वापस फ्रिज में रख के रीयूज कर सकते हैं कल के लिए भी. दो तीन दिन इसको बॉइल कर करके रीयूज कर लो and use this concoction और उसके बाद you can dispose it off to some gamla and all. ठीक है और उसके बाद आप नया use कर सकते हैं नए herbs use कर सकते हैं for the concoction.